नमस्कार दोस्तों, काफी ज्यादा लोग यहाँ पे कंफ्यूजन में रहते हैं, हमें स्मॉल कैपिटल्स में अपना पैसा लगाना चाहिए या फिर लार्ज कैपिटल में। आज की इस वीडियो में दोस्तों आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलेगी विद राइट गाइडेंस के साथ में कि आपको क्या सचमुच में लार्ज कैपिटल के साथ में जाना चाहिए या फिर स्मॉल कैपिटल्स के बीच में, या फिर आप यहाँ पे मिड कैपिटल में भी अपना पैसा लगा सकते हैं या फिर नहीं। काफी सारे दोस्तों आपने यूट्यूबर से सुना होगा कि स्मॉल कैप्स में अपना पैसा लगा लो, यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू जो लार्ज स्टॉक्स होते हैं उनके मुकाबले, या फिर दोस्तों काफी सारे लोग आपको उसका उल्टा बताते हैं, बोलते हैं कि आप मिड कैप में ना लगा करके अपने लार्ज कैप में ही लगा के रखो क्योंकि लार्ज कैपिटल का भरोसा होता है, मिड कैपिटल का भरोसा नहीं होता कि क्या पता कंपनी ऊपर उठ भी पाए या फिर नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने पास में कुछ कैसा किया हुआ नहीं होता। लेकिन दोस्तों कोई भी लोग आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं बताएगा कि क्या आपको सचमुच में लार्ज कैपिटल के साथ में जाना चाहिए या फिर स्मॉल कैपिटल के बीच में, या फिर आपको जो पैसा है आपको किसी म्यूचुअल फंड में एड्रेस डाल देना चाहिए फिर नहीं, फिर आपका पैसा लगाना बेहतर कहां होगा, लार्ज कैपिटल में या फिर अपने स्मॉल कैपिटल्स में। तो चलो दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले दोस्तों हम ये जानते हैं कि स्मॉल कैपिटल और ये लार्ज कैपिटल है क्या, हम इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं। देखो दोस्तों, जब भी मैं यहाँ पे स्मॉल कैपिटल्स के बारे में और लार्ज कैपिटल के बारे में बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जब भी स्मॉल कैपिटल का नाम आए तो समझ जाना दोस्तों उनकी जो वैल्यूएशन है वो 5,000 करोड़ रुपए से कम है या फिर 5,000 करोड़ रुपए तक है। और अगर आपकी जो वैल्यूएशन है वो 5,000 करोड़ रुपए से लेकर के 20,000 करोड़ रुपए तक है तो आप एक लार्ज कैपिटल में एक बिलोंग कर सकते हैं। इतनी छोटी सी जो कंफ्यूजन थी आपके माइंड में कि लार्ज कैपिटल क्या होते हैं, स्मॉल कैपिटल्स क्या होते हैं, आई होप वो कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी होगी। और स्मॉल कैपिटल्स में दोस्तों आपका पैसा लगाना चाहिए या फिर लार्ज कैपिटल में, वो हम थोड़ा सा वीडियो के आगे बात करते हैं। लेकिन सबके सब दोस्तों कॉमन से एक थिंग निकल के आती है हम सबके बीच में से, वो है दोस्तों ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना। और ये दोस्तों हमें डिफाइन नहीं होता कि क्या हम स्मॉल कैपिटल में अपना पैसा लगाएं या फिर लार्ज कैपिटल में, क्योंकि देखा जाए तो पोटेंशियल तो दोनों के पास में। अब दोस्तों स्मॉल कैपिटल के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे जानते हैं। देखो दोस्तों जो स्मॉल कैपिटल्स हैं उनके ऊपर लोगों का जो प्रोस्पेक्टिव है वो इस तरीके का बना हुआ है उनका कि जो स्मॉल कैपिटल्स होते हैं उनके क्या होते हैं कि फिलहाल वो न्यू कंपनी स्टैब्लिश होती है, वो अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, एज वो अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, इसी तरीके से वो पब्लिक से पैसा उठाना चाहते हैं यहाँ से। और पब्लिक से पैसा उठाने का दोस्तों बेटर सोर्स क्या है, अगर वो पब्लिक से पैसा उठाएगा तो उसमें आपको कुछ कंपनी के शेयर्स पब्लिक को देने पड़ेंगे। जब पब्लिक को दोस्तों ये कंपनी जो है शेयर दे देगी दोस्तों उसके बदले में इनको पैसा मिल जाएगा, तो दोस्तों इनका जो वैल्यूएशन होगी वो 5,000 करोड़ रुपए से बढ़ के थोड़ी सी ऊपर चली जाएगी। और जैसे ही दोस्तों इनकी वैल्यूएशन ऊपर जाएगी तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी कंपनी अपने स्मॉल कैपिटल से हट करके मिड कैपिटल में आ जाएगी और लार्ज कैपिटल में बन जाएगी। सो स्मॉल कैपिटल का और लार्ज कैपिटल का दोस्तों बेसिक से कोई तो मतलब यहाँ पे बनता नहीं है, बस दोस्तों आपको सबसे पहले यहाँ पे जानना पड़ेगा उसके फंडामेंटल्स क्या क्या कह रहे हैं। अगर दोस्तों आपको लग रहा है यार इस कंपनी जो है ना ये स्मॉल कैपिटल में बिलोंग करती है, कोई एक्स कंपनी है माना और वो स्मॉल कैपिटल में बिलोंग करती है, आपको लग रहा है इसके फंडामेंटल तो नीचे जा रहे हैं, लोग दोस्तों इसमें बोल रहे हैं कि आप इसमें इन्वेस्ट करो, आप इसमें इन्वेस्ट करो, आपका पैसा डबल होगा, आपका पैसा ट्रिपल होगा, ये होगा वो होगा, और दोस्तों जैसे ही आप उसमें पैसा लगाते हो आपका पैसा डाउन चला जाता है। अब ये क्या हुआ, क्योंकि दोस्तों आपका जो फंडामेंटल था आपने पढ़ रखा था एक्टिव ब्रो के वीडियो से, आपने देखा था कि फंडामेंटल कैसे चेक करते हैं, तो आपने एक्टिव ब्रो की फंडामेंटल वाली वीडियो देख के ये तो पता लगा लिया था इसकी जो स्टॉक्स है उसकी प्राइस ऊपर जाएगी या फिर नीचे जाएगी या फिर इसकी फंडामेंटल कैसे है कैसे नहीं, आपने ये तो पता लगा लिया। लेकिन आपने क्या किया, फिर आपने उस मीडियोकर वाली सोच में आ गए और लोगों की बात में आप फंस गए। लोगों की बात में जैसे ही आप फंसे आपने पैसा लगाया, आपका पैसा डाउन चला गया, फिर आपको इक्विटी ब्रो की फिर से याद आई और आप इस वाली वीडियो को देख रहे हो। तो देखो दोस्तों सबसे पहली बात तो आपको ये पता है कि आपको फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए किसी भी कंपनी को स्टेबल करने के लिए, फिर किसी भी कंपनी को ज्यादा ऊपर जाने के लिए। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों आपको ध्यान में रखना है जब भी आप स्मॉल कैपिटल में या फिर लार्ज कैपिटल में अपना पैसा लगाएंगे, उससे पहले दोस्तों आपको एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है। सबसे पहले हो गया दोस्तों आपको इस कंपनी का फंडामेंटल्स चेक करें, ठीक है, जैसे आप 100% फंडामेंटल को उसके चेक कर लेंगे सेकंड दोस्तों आप स्टेप में पहुंचेंगे, और सेकंड स्टेप में दोस्तों आपको चूज करना पड़ेंगे अपना कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स यहाँ पे चूज करें। आप एकदम से बहुत सारे नंबर्स के पीछे ना भागे, अरे मैं तो 100 कंपनी का स्टॉक का यहाँ पे फाइंड कर रहा हूँ, 100 कंपनी का डाटा लेने जा रहा हूँ, कैसे ले लोगे आप, पॉसिबल ही नहीं है 100 कंपनी का आप नजर रखोगे। आप जब तक 50वीं कंपनी के पास में जाओगे हो सकता है जो चौथी या फिर तीसरी कंपनी है उसका कुछ फंडामेंटल बदल जाए, हो सकता है उसका कुछ चेंजेस हो जाए या फिर उसमें लॉस हो जाए। तो आप दोस्तों मेरे हिसाब से अगर आप 5 से लेकर 6 कंपनियों के फंडामेंटल चेक कर रहे हैं एक ही साथ में तो आप इतने चेक कर सकते हैं। आप ऐसा ना करें कि अपने पोर्टफोलियो को बेस्ट दिखाने के लिए आपने 100 कंपनी वहाँ पे चूज कर ली, है ना, ऐसे मत करें। फंडामेंटल चेक करें और जैसे ही 5 और 6 कंपनियां आपके पास में लिस्ट हो जाएंगी उसके बाद में दोस्तों हमारा जो सेकंड स्टेप था कि आप कंपनी को चूज करें, थर्ड स्टेप में दोस्तों आप जैसे आएंगे उस कंपनी के दोस्तों आप प्रीवियस ईयर की ना प्रीवियस ईयर की और कितने ईयर की 5 सालों की, क्योंकि 5 सालों की दोस्तों सफिशियंट होती है, 5 सालों की उसकी रिपोर्ट पढ़ना स्टार्ट कर दें। इन 3 पॉइंट्स को जैसे ही आप कंसिडर कर लेंगे, फंडामेंटल वाले को,
चूज करना है आपको कौन से स्टॉक्स में यहाँ पे करना है कौन से नहीं, और कितनी ज्यादा आपको नंबर्स रखने हैं कितने नहीं रखने, और प्रीवियस ईयर का जब उनका आप डाटा पढ़ेंगे। चौथा स्टेप दोस्तों इसमें आता है, आप उनका सेक्टर चूज करें। हो सकता है दोस्तों कोई कंपनी हो जो कि फूड सेक्टर वाली हो, या फिर कोई सर्विस सेक्टर वाली हो, या फिर कोई क्लोथ इंडस्ट्री से हो, है ना, कोई मतलब जो प्रोडक्ट बनाने डेली लाइफ वाले उस वाले सेक्टर से रिलेटेड हो, तो आप उसका दोस्तों सेक्टर चूज करें। हो सकता है दोस्तों आईटी सेक्टर हो, ठीक है, फार्मा सेक्टर हो, चूज करें कौन सा सेक्टर आपके लिए बेस्ट है। अगर आप ये सोच रहे हैं, और कहीं से भी दोस्तों आप ये ना सोचे कि यार किसी यूट्यूबर ने मेरे को ये बताया कि यार आजकल की जो फूड इंडस्ट्री है वो ग्रो होने वाली है, अगर दोस्तों आपको लग रहा है कि ग्रो होने वाली है तो ही आप उसको चूज करें, अदरवाइज किसी भी ऐसे यूट्यूबर की बातों में ना आए। अब आपके पास में दोस्तों इनफ डाटा हो गया, आपके पास में प्रीवियस ईयर की 5 सालों की रिपोर्ट भी हो गई, ठीक है, रिपोर्ट भी हो गई आपके पास में, ठीक है। दूसरा हो गया दोस्तों आपने अपने लिए सेक्टर भी चूज कर लिया, ठीक है, सेक्टर भी चूज कर लिया। तीसरा हो गया दोस्तों आपने उसके फंडामेंटल्स भी पढ़ लिया आराम से, ठीक है। इसके बाद में एक और दोस्तों यहाँ पर आपको पॉइंट याद रखना है कि प्राइस सेक्टर, कहीं पता लगा यार कंपनी कोई आपसे कोई खेल तो नहीं कर रही। माना दोस्तों कई किसी कोई कोई कंपनी क्या करती है, झूठी रिपोर्ट पब्लिश कर देती है कभी कभी, अपनी पीआर टीम उनकी बैठी रहती है उसके पीछे, और वो पीआर टीम क्या करती है, स्टॉक्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है ताकि आप लोग उसमें और ज्यादा इन्वेस्ट करें, और जितने ज्यादा दोस्तों आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे उनकी कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ेगा, और जैसे दोस्तों उन कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ेगा उनके पास में ऑलरेडी खर्चे होते हैं, वो उन खर्चों को निकालेंगे और आपका पैसा वहां से उठा के भाग जाएंगे और आपको कोई भी नामो निशान नहीं होगा यहाँ पे। लेकिन ऐसी कंपनी के ऊपर दोस्तों सेबी काफी ज्यादा निगरानी रखता है, आजकल ऐसी कंपनी देखने को नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है, आप फिर भी अपने माइंड का यहाँ पे यूज करके रखें। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि नहीं हो सकता, बिल्कुल भाई कोई कंपनी कुछ भी सोच सकती है। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है आपके मन में कि यार चलो ठीक है ये भी हमने जान लिया, अब हम इन्वेस्ट कैसे करें, लार्ज कैप में इन्वेस्ट करें या फिर स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करें, और कौन सा हमारे लिए बेटर होगा, चलो दोस्तों उसका भी जान लेते हैं। अब काफी सारे लोग दोस्तों क्या सोचते हैं ना, जो स्मॉल कैपिटल होता है वो एज अ कंपनी अपने आप को ग्रो कर रही होती है, और क्योंकि इनफ डाटा नहीं होता स्मॉल कैपिटल के लिए, तो क्या करते हैं लोग, वे सोचते हैं यार इस कंपनी के ऊपर भरोसा करना भी चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। फिर ना तो उसकी फंडामेंटल्स को चेक कर रहे हैं, ना ही इसकी प्रीवियस ईयर की रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, ना ही जो इसके बारे में जो डाटा है उसको पढ़ रहे हैं, वो कुछ नहीं पढ़ रहे हैं इसके बारे में, बेसिकली उनको कुछ नहीं पता है ये कौन से सेक्टर में बिलोंग करती है, ये भी नहीं पता उनको, इतना तो पता ही होता है ये भी नहीं पता उनको, और वे सोच रहे हैं कि यार मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि क्या पता ये कंपनी हमारे लिए फ्रॉड साबित हो जाए, या इसकी कंपनी का दिवालिया निकल जाए और हमारे पैसे डूब जाएं। सो ये ऐसे दोस्तों माइंडसेट होता है लोगों का, और ये कहीं कहीं ना कहीं अच्छा भी होता है, कहीं ना कहीं बुरा भी होता है। लोगों को दोस्तों डर होता है यार हमारा पैसा डूब ना जाए, और सारे ही लोगों को दोस्तों डर होता है यार हमारा पैसा डूब ना जाए, अच्छी बात है। लेकिन इसमें दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, एज अ कंपनी क्योंकि अपने आप को ग्रो कर रही होती है, तो इसमें थोड़े से आपके चांसेस हो सकते हैं कि आपका पैसा यहाँ पे डबल हो सकता है, क्योंकि एज अ कंपनी तो ग्रो हो रही है, और जैसे जैसे दोस्तों कंपनी ग्रो होगी आपका भी यहाँ पे कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा, क्योंकि कंपनी की ग्रोथ में आपका भी तो ग्रोथ दिख रही है ना, आपको भी तो बेनिफिट होता है, कंपनी जैसी ग्रोथ कर रही है आपको भी दोस्तों उसी तरीके से ग्रोथ मिल सकती है। और लोग दोस्तों ये भी सोचते हैं यार इस कंपनी का ना भरोसा नहीं कर सकते कि किस तरीके की प्रोडक्ट्स बना रही है, कि कैसा इनका फ्यूचर हो सकता है, किन 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 तरीकों की जो ऑडियंस है इनकी, किन किन ऑडियंस को ये टारगेट कर रहे हैं, फिर कौन कौन से इसके कस्टमर्स है, उनको ये सब कुछ पता नहीं होता, तो इसमें वो कम पैसे लगाते हैं फिलहाल के लिए। लेकिन जैसे मैंने आपको पॉइंट्स बताए, आप उन पॉइंट्स के अनुसार में कंसीडर कर सकते हैं कि यार ये स्मॉल कैपिटल हमारा ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। अब थोड़ा सा दोस्तों जानते हैं लार्ज कैपिटल के बारे में। अब दोस्तों लार्ज कैपिटल क्या होते हैं ना, अपने आप की किंग होती है, उन्हें पता होता है यार अंबुजा सीमेंट जो है ना लार्ज कैपिटल की कैटेगरी में आता है, और उसे पता है यार अंबुजा सीमेंट तो लोग कभी भी खरीदना छोड़ेंगे नहीं, और इसमें इन्वेस्ट करना अच्छी बात है, क्योंकि सीमेंट की जो हमेशा दोस्तों आपको पता है सीमेंट का काम हमेशा होता रहता है, कहीं ना कहीं घर बन ही रहा होगा उसमें बनने के लिए सीमेंट चाहिए ही चाहिए होगा, और कौन सा खरीदेगा, अंबुजा सीमेंट खरीदेगा या फिर कोई और ACC सीमेंट खरीदेगा या फिर कैसे भी ऐसा सीमेंट खरीदेगा, सीमेंट तो खरीदेगा ना, तो क्यों ना मैं सीमेंट की अपनी कंपनी में इन्वेस्ट कर दूं, ऐसा लोग सोचते हैं, अच्छी बात है दोस्तों ऐसा सोचना। लेकिन अगेन मैं आपको एक फिर से यहाँ पे बात बताना चाहता हूँ कि आपको ना इसमें क्या करना है, सबसे पहले इसमें भी आपको ये जानना पड़ेगा यार इनकी कैसी ग्रोथ रही है पिछले ईयर में। पता लगा दोस्तों कंपनी के पास में कर्जा हो गया, ठीक है, और आपसे वो कंपनी पैसे ले रही है, आपसे सोच रही है यार उसका जो प्राइस पॉइंट है वो बढ़ गया है, आपसे वो पैसे ले रही है, या फिर कहने का मतलब दोस्तों ये है कि वो ओवरवैल्यूड है, क्या पता ऐसा हो सकता है कि कंपनी ओवरवैल्यूड हो, जैसे कि अभी अदानी जी के केस में हमें देखने को मिला कि जो हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी उसमें उन्होंने साफ साफ बताया हुआ था कि जो अदानी की कंपनीज है उनकी ओवरवैल्यूड है, कंपनी की जो एक्चुअल वैल्यूएशन है उसके भी ऊपर है, यानी कि बियॉन्ड है उसके भी, तो वो ओवरवैल्यूड की कैटेगरी में आ गया, तो ऐसी कंपनी से भी दोस्तों आपको बच के रहना चाहिए, मैं तो ये आपको बोलूंगा। और सेकंड दोस्तों इसमें मानसिकता लोगों की ये होती है कि यार ये तो लार्ज कैपिटल है, ऑलरेडी नाम है ही इनका पब्लिक, हो सकता है कुछ लोग ना ही जानते उनके बारे में लेकिन मैक्सिमम लोग इनके बारे में जानते हैं, तो हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि ये एक तो ऑलरेडी पॉपुलर कंपनी है और इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे लिए अच्छा ही होगा या फिर ऐसा होगा, तो कहीं ना कहीं ये वाली जो सोच है उनकी बदलने की जरूरत है।
सब जान सकते हैं। सारा का सारा कैपिटल अच्छे होते हैं, कोई भी कैपिटल बुरे नहीं होते। बस आपको दोस्तों ध्यान में रखना पड़ता है कि जो छोटी कंपनीज होती है ना, अचानक से वो आपको ग्रोथ दे सकती है, अचानक से आपको प्रॉफिट दिला सकती है। मान ले दोस्तों आपके पास में 20,000 रुपये है, आप उसमें इन्वेस्ट करने जा रहे होंगे और आप उसको स्मॉल कैपिटल में इन्वेस्ट करने जा रहे होंगे। हो सकता है दोस्तों लकी चांस हो, आपने ये सब फंडामेंटल्स को अप्लाई करके भी उसमें पैसे लगाए हों और आपके जो पैसे हैं वो बढ़ गए, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल बढ़ गए आपके पैसे, और उसके बाद दोस्तों आपको बिलीव कर रहा हूँ यार इक्विटी ब्रो ने अच्छा बताया था, भाई मेरे पैसे यहाँ पे डबल हो चुके हैं इक्विटी ब्रो की वजह से। दोस्तों आप उसको क्या बोलोगे? आप उसको अच्छा ही मानोगे क्योंकि उस कंपनी ने पर्टिकुलर आपको फायदा करके दे दिया यहाँ पे। लेकिन वही कंपनी में अगर आप पैसा लगाते बिना ये सब जाने और 20,000 रुपये आपने लगा दिए और आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन वो कंपनी अनफॉर्चुनेटली वो डाउन लेवल पे चली जाती है, तो वहाँ पे आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे यार इस कंपनी ने तो मेरा नुकसान करा दिया। फिर आप मेरे को ही बोलोगे कि यार इक्विटी ब्रो ने तो मेरा नुकसान करा दिया जबकि मैंने उसकी वाली वीडियो देखी ही नहीं। तो आप कैसे किस बेसिस पे बोल सकते हैं मेरे को ऐसा? सो इसीलिए दोस्तों अगर आप देखेंगे तो सारी कंपनीज अच्छी हैं, सबकी सब कंपनीज दोस्तों कम्पीट कर रही हैं एक दूसरे से, वो ग्रो करना चाहती है मार्केट में, कौन ग्रो नहीं करना चाहता, सब ग्रो करना चाहते हैं। लेकिन बस आपको ध्यान रखना है उसके फंडामेंटल के बारे में, आप अच्छे से पढ़ें, इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज आप अपनी अच्छी बनाएं, पोर्टफोलियो आप दोस्तों अच्छा बनाएं, लोगों की बातों में ना आए। लोग तो आपको दोस्तों गलत शिक्षा भी दे सकते हैं और सही शिक्षा भी दे सकते हैं, बस दोस्तों आपके हाथ में आपको कौन सी शिक्षा लेनी है, कौन सी शिक्षा नहीं लेनी है। तो आई होप दोस्तों ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप इस पे नए हो तो। और थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में किसी अमेजिंग से टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों आप अपने ख्याल रखें और देखते रहें एक के टीवी ब्रो यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।